हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जो कि अगर आप लोग चाहो इन पौधों को अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर तरह के पौधे को खरीद पाए, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा शौक है, हर कोई इसको करना पसंद करता है। जो लोग गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, कम पैसा खर्च करके बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो देखिए आज की ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, ये जो पौधे हैं, इस समय इन सभी पौधों के ऊपर बीज बन गए हैं। तो आपके आसपास अगल बगल या फिर कहीं पार्कों में या फिर रोड साइड ये पौधे आपको दिख जाते हैं, तो इनके ऊपर से इनके बीजों को ले आइए। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा तो इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है जिसके ऊपर इस टाइम पर आपको बीज मिल जाएंगे, ये है बेबी सनरोज का। हालांकि ये जो पौधा है काफ़ी कॉस्टली भी आता है, बहुत ही रेयर प्लांट है, लेकिन कहीं से अगर आपको ये पौधा मिल जाता है तो उसके ऊपर आप लोग देखिए इस तरीके से इसके ऊपर ये सीड पॉड बनते हैं, जैसे पिटूनिया के सीड पॉड होते हैं ठीक इसी तरीके से होते हैं, और इसके बीज भी ऐसे ही होते हैं जैसे पिटूनिया के होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रेन लिली। हालांकि जैसे ही बारिश होती है तभी इनके ऊपर फूल खिलते हैं, लेकिन कई बार जैसे विंटर की बारिश होती है तो उस समय भी ये जो येलो कलर होता है इसके ऊपर फूल खिल जाते हैं। और ये येलो और व्हाइट, ये दो कलर ऐसे हैं, अगर एक फूल भी इनके ऊपर खिल जाता है तो तुरंत पीछे से इनके ऊपर सीड पॉड बन जाता है। देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। हालांकि ये कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इसका पिंक और ब्लू, ये दो कलर बहुत ही कॉमन से हैं। ये भी ऐसी बेल है, लगभग पूरा साल ही फूल देती है। इसके ऊपर भी देखिए इस तरीके से सीड पॉड बनते हैं और एक एक सीड पॉड में कई कई सारे बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। ये पौधे भी बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मेरे पास ये पौधे नहीं थे, तो देखिए ये जो क्लिप आप लोग सामने देख रहे हैं ये नर्सरी से ही देख रहे हैं, वहाँ पर ये पौधा खड़ा हुआ था, उसके ऊपर देखिए इस तरीके से ये बीज बने हुए थे। तो मैंने नर्सरी वालों से पूछा, तब मैंने इसकी क्लिप बनाई और तभी इसके ऊपर से मैंने चार पांच बीजों को तोड़ा, क्योंकि बहुत सारे बीज लगे हुए थे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कहीं से अगर कोई पौधा दिख जाता है तो पूछ करके, मांग करके बीजों को या कटिंग को ले सकते हैं। चोरी नहीं करनी है, लेकिन मांग करके ले सकते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साल्विया का। ये पौधा भी नर्सरी में जो पॉली बैग में लगे हुए पौधे होते हैं उन्हीं में से एक गजेनिया के पौधे में ये पौधा लगा हुआ था। तो वो पौधा मैं 20 रुपये में खरीद करके लाई, तो मुझे 20 रुपये में दो पौधे ये मिल गए हैं। यानी कि इनके भी जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद देखिए इनके पीछे से कितने बड़े बड़े से मोटे मोटे से ये सीड पॉड बन रहे हैं, और एक एक सीड पॉड में कई कई सारे बीज निकल आएंगे। अगला ये जो प्लांट है ये है देखिए कोस्कोम का। ये पौधा तो बहुत ही कॉमन सा है, सभी लोग जानते हैं, आपको कहीं पार्क में या रोड साइड जरूर मिल ही जाएगा। तो इसके ऊपर भी इस समय देखिए इस तरीके से सीड पॉड यानी कि बीज बन रहे हैं, तो इनके बीजों को ला सकते हैं। अब फिर के पौधे अगर हमें बनाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इधर उधर अपनी निगाह दौड़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गोरी चोरी का, या फिर टिकोमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पौधा सभी लोग जानते हैं, पार्कों में या रोड साइड आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर इस समय देखिए इस तरीके के इनके सीड पॉड होते हैं, लंबी लंबी सी फलियां होती हैं, और इन फलियों में ही देखिए इनके इस तरीके से बीज होते हैं। इनको भी आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर इनकी कटिंग ला करके फरवरी के महीने में इनकी कटिंग को ग्रो कर लीजिए, तो हो गए ना आपके फ्री के पौधे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए हरसिंगार का, या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पौधा भी जमीन में लगा हुआ होता है तो काफ़ी बड़ा सा हो जाता है, पार्कों में या रोड साइड या फिर किसी के घर पे आपको ये लगा हुआ मिल जाए। तो देखिए इस समय इसके ऊपर ये बीज बन रहे हैं, यानी कि एक एक सीड पॉड में इनका एक एक बीज निकलता है। ये अभी कच्चे हैं, जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब इनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए अपराजिता की बेल। सभी लोग जानते हैं अपराजिता, हरसिंगार, ये बहुत ही कॉमन से प्लांट हैं, और इन पौधों को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। अगर अभी तक आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो देखिए मेरे पास व्हाइट और ब्लू दोनों कलर हैं, लेकिन डबल पेटल की अपराजिता नहीं थी। तो नर्सरी पर आप लोग देख सकते हैं ये पौधा खड़ा हुआ था, और एक ही पौधे के ऊपर, बेल के ऊपर कितनी सारी फलियां बनी हुई हैं। तो अगर एक फली को आप लोग मांग करके ले आओगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। इस तरीके के इनके बीज होते हैं,
फरवरी में इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कैलामिटिस वाइन या फिर रंजाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक बेल है, इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आती है। इसकी जो बेल है पार्कों में इसकी हैज बनी हुई रहती है या फिर कहीं किसी के घर से आपको ये बेल मिल जाती है। तो इसके ऊपर देखिए इस तरीके से इस टाइम पर बीज बने हुए हैं और ये बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से दो तीन बीजों को आप लोग ले आइए, ला करके लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैंडेविला वाइन। सभी लोग जानते हैं इसकी जो बेल है बहुत ही महंगी आती है, कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये जो व्हाइट कलर है आप लोग देख सकते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसके सीड पॉट को देख रही हूँ, किस तरीके से कितने लंबे लंबे इसके ऊपर सीड पॉट बने हुए हैं। हालांकि जो पिंक और रेड है उसके ऊपर नहीं बने हैं, लेकिन ये व्हाइट वाली के ऊपर बने हुए हैं। अगला ये जो प्लांट है यह है देखिए अडेनियम का। इस समय चाहे इसका छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है, उन सभी के ऊपर देखिए इस तरीके से सीड पॉट बन गए हैं। मैं भी इस समय इसका एक पौधा खरीद करके लाई हूँ नर्सरी से। मुझे कलर का भी नहीं पता है कि कौन सा कलर निकलेगा, लेकिन इन सीड पॉट का मुझे लालच आ गया, क्योंकि हम जो गार्डनर्स होते हैं बहुत लालची होते हैं। मैंने सोचा 200 रुपए में मुझे ये प्लांट मिल रहा है और उसके ऊपर इतने सारे सीड पॉट यानी कि बीज मुझे मिल जाएंगे, तो इनको मैं ग्रो कर लूंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए बिनका का यानी कि सदाबहार का। इनके भी पौधे अगर आपके पास हैं या कहीं से आपको दिख जाते हैं तो इनके फूल जैसे ही खिलते हैं, खिलने के बाद पीछे से तुरंत ही इनकी फलियां बनने लगती हैं और इन फलियों में इनके कई कई सारे बीज निकल आते हैं। जैसे ही फरवरी आएगा फरवरी के स्टार्टिंग में इनके बीजों को हम ग्रो कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए मैक्सिकन पिटोनिया। ये पौधा भी आपको कहीं रोड साइड या पार्कों में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन सा बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस समय भी छोटे छोटे से फूल इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इस समय देखिए इस तरीके से इसके ऊपर बीज भी बन गए हैं। तो इनके बीजों को या फिर कटिंगों को इस टाइम पर ला करके आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी देखिए कई सारे रंगों में आते हैं। जैसे हम सदाबहार के पौधों को बीजों से या कटिंग से लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से इनके भी पौधों को हमें बार बार लगाना पड़ता है। एक ही पौधा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो देखिए इनके भी जो फूल हैं जब ये सूख जाते हैं, सूखने के बाद इनके फूलों में ही इनके बीज होते हैं। एक एक फूल में कितने कितने सारे बीज निकल आते हैं, यानी कि ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं वाइट वाइट से, यही इनके बीज हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पेंटास का। ये पौधा परमानेंट ही है, पूरा साल फूल देता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस, बहुत ही हार्डी है। लेकिन इस समय इस पौधे के ऊपर भी आपको बीज मिल जाएंगे, यानी कि पूरा साल इनके ऊपर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी समय आपको इस तरीके के इनके सीड पॉड मिल जाएंगे। इन्हीं के अंदर इनके कई कई सारे बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कनेर के। ये भी बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में भी। इनके जो पौधे हैं रोड साइड या पार्कों में आपको मिल जाएंगे, तो इस समय आप लोग इन पौधों के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए इस तरीके से इनके ऊपर ये सीड पॉट बने हुए हैं, एक एक सीड पॉट में कई कई सारे बीज निकल आएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी देखिए इनकी वेराइटी है। इनके जो पौधे हैं पार्कों में या रोड साइड काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, तो इनको आप लोग फरवरी में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर कटिंग आपसे ग्रो नहीं होती हैं तो देखिए इस तरीके के इनके भी सीड पॉड होते हैं, यानी कि इस तरीके के बीज होते हैं। ये अभी छोटा है, ये तो मैंने गमले में ही लगाया हुआ है, तो गमले में भी ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मधुकामनी की एक वैरायटी है। इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। दूसरी बात, ये पौधा बहुत ही हार्डी होने की वजह से पार्कों में इसकी हैज बनी हुई होती है, तो इस समय इस पौधे के ऊपर भी देखिए इस तरीके से बीज बने हुए हैं। ये जो ऑरेंज कलर के आप लोग देख रहे हैं ये इसके बीज पक गए हैं, जो ग्रीन है उनको नहीं तोड़ना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रात रानी का। आप लोग देख सकते हैं जनवरी का महीना चल रहा है, कई दिनों से हमारे यहाँ पर धूप भी नहीं निकली है, अभी भी इस पौधे के ऊपर फूल आ रहे हैं। तो ये पौधा तो ऐसा है पूरा साल फूल देता है, और इसके ऊपर भी इस समय वैसे ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन फिर भी कटिंग आपसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से ये जो गोल गोल से देख रहे हैं ये इनके बीज हैं, यानी कि एक एक सीड पॉड में एक एक बीज इनका निकलता है, तो इनको आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इनके जो पौधे हैं आपको पार्कों में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए डुरांटा का। ये पौधा भी बहुत हार्डी मजबूत होने की वजह से पार्कों में इसकी हैज बनी हुई होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे से स्काई ब्लू कलर के फूल भी खिलते हैं,
तो इसके ऊपर भी इस समय देखिए इस तरीके से, ये तो मैं अपने पौधे से ही दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये सीड पॉट बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं गोल गोल से। तो जो ऑरेंज कलर के हो गए हैं उनको आप लोग तोड़ सकते हैं, जो ग्रीन है वो अभी कच्चे हैं। अगला ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही साधारण सा प्लांट है, ज़्यादातर सभी के घरों में होता ही है, तो ये भी बिल्कुल फ्री का ही प्लांट है, क्योंकि इनके जो फूल सूख जाते हैं तो इनके सूखे हुए फूलों में ही देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इन्हीं को आप लोग किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, 8 से 10 दिन में इनके फूल यानी कि इनके बीज ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए करी पत्ते का, ये पौधा सभी के घरों में जरूर होना ही चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपके घरों में ये पौधा नहीं है, कहीं से अगर आपको लगता है मिल जाता है तो इसके ऊपर भी इस समय बीज बन जाते हैं, जैसे नीम का फल होता है ठीक इसी तरीके के इनके बीज होते हैं। अगला ये जो प्लांट है यह है देखिए मोरफंकी या फिर थुजा के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत ही कॉमन सा प्लांट है। इसके पौधे आपको पार्कों में मिल ही जाएंगे और इस समय इनके ऊपर देखिए इस तरीके से सीड पॉट बने हुए हैं, इनके अंदर इनके कई कई सारे बीज निकल आते हैं। इनके बीजों को तो इस टाइम पर अभी आप लोग ला करके किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, बहुत हार्डी होते हैं। इस टाइम पर आप लोग इनके बीजों को डालोगे तब मार्च अप्रैल में जाके इनके बीज निकलेंगे। ये प्लांट है इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही कॉमन सा साधारण सा ये पौधा है, सभी के घरों में होता ही है, लेकिन इस समय ये पौधा खराब हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर जो बीज बने हुए हैं उनके बीजों को आप लोग हार्वेस्ट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा उस समय इसके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी।